अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ऑल टाइम टिप्स। जैसे कि आप जानते हैं, ऑल टाइम टिप्स आपके लिए लाता है फैशन, हेल्थ एंड ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो। तो आज मेरा टॉपिक ब्यूटी है, जिसमें मैं आपके साथ एक फेस पैक शेयर करूँगी। वो ऑयली स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है ज़्यादा, लेकिन वो ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं। जैसे कि ईद आने वाली है और हम चाहते हैं कि हमारा फेस का कलर ब्राइट हो, ग्लोइंग हो, तो उसके लिए मैं आपको फेस पैक बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फेस पैक बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं बताती हूँ आपको। उसके लिए हमें चाहिए बेसन, दूध, लेमन और विटामिन ई कैप्सूल और गुलाब का अरक। चलें फेस पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेसन, ये टू चम्मच आपने लेने हैं, टू स्पून। हमने टू टीस्पून बेसन लेना है। ये ऑयली स्किन को, यानी कि ऑयल कंट्रोल करता है और स्किन को ग्लो करता है, वाइट करता है। अब उसके बाद हम लेंगे मिल्क। आपने रॉ मिल्क लेना है, यानी कि कच्चा दूध। ये मैं, ये भी टू स्पून है। इसके भी बहुत बेनिफिट है, ये स्किन से ऑयल कंट्रोल करेगा, स्किन को वाइट करेगा, और ख़ास तौर पे जिनके ब्लैक हेड हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त है। अब ये मैं इसमें एक विटामिन ऑयल ऐड करूँगी। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट हैं, ये आपकी स्किन से ऑयल को रिमूव करेगा और आपकी स्किन को ग्लो करेगा। और अब हम इसमें 1 स्पून लेमन ऐड करेंगे। जैसे कि लेमन में आप जानते हैं विटामिन सी भरपूर मकदार में पाया जाता है, और ये स्किन को वाइट करने के लिए, ऑयल कंट्रोल करने के लिए, वाइट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें ये गुलाब का अरक ऐड करेंगे, ये स्किन को तरोताज़ा करेगा, फ्रेश करेगा और स्किन को ग्लोइंग करेगा। ये आप गुलाब का अरक अगर सिंपल ही अपना फेस वॉश करके सिंपल ही अगर ये लगा लें, ये स्किन के लिए वो भी बहुत अच्छा है। ये भी हमने 2 स्पून ऐड करने हैं। ये हमने सब इंग्रेडिएंट्स डालिए हैं, अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। आपने इस फेस पैक को 15 से 20 मिनट के लिए फेस पर लगाना है, और जब ये ड्राई हो जाए आपने फेस को रब करके इसको उतारना है। इससे ये भी होगा कि आपके जो फेस पे बाल हैं वो भी कम हो जाएंगे और आपकी स्किन वाइटनिंग और ग्लो करने लगेगी। आपने इस फेस पैक को हफ्ते में 3 बार यूज़ करना है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि अगर आप कोई भी रेमेडी लेते हैं उसे आप ज़रूर यूज़ करें। आप ये ना करें कि आप एक दफ़ा ही यूज़ करके कहें कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। आपने उसको उस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करते रहना है, फिर ही आपको उसके अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, फिर ही आपको उसको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।